तो दोस्तों आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि आज से कुछ साल पहले इंडिया में फ़ोन की दुनिया में नोकिया मोबाइल जो है मार्केट में राज करती थी। लेकिन 2013 में नोकिया मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसकी वजह से नोकिया मोबाइल जो है बंद हो चुकी थी। लेकिन 2017 में वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से नोकिया फ़ोन मार्केट में एक न्यू एंड्रॉयड फ़ोन के साथ वापस आ रहा है फिर से इंडिया में हल्ला मचाने के लिए। तो आप जान लेते हैं इस मोबाइल पर आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलेगा और इसका प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों इस मोबाइल का जो सबसे ज़्यादा खासियत है ये मोबाइल है वाटर प्रूफ और इस मोबाइल पे आप लोगों को एक भी बटन आई मीन स्विच देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मोबाइल है फुल्ली टचेबल, आप लोगों को एक भी स्विच देखने को नहीं मिलेगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं सब कुछ आपको टच से ही करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल के टॉप से। इस मोबाइल के टॉप पे आप लोगों को मिलेगा कुछ टच स्क्रीन बटन जिसकी मदद से आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं और साथ साथ आप लोगों को कुछ और बटन मिलेगा जैसे कि आपको गैलरी ओपन कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐप को आप मेंटेन कर सकते हैं। ये सब कुछ शॉर्टकट बटन आप लोगों को टॉप पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस मोबाइल के पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जो दिखने का है ये काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग के साथ आया है और पीछे आप लोगों को एक कैमरा भी देखने को मिलेगा। इसका जो कैमरा है ये है 23 मेगापिक्सल का कैमरा। याद के लिए बता दूँ नोकिया N8 मोबाइल पर आप लोगों को मिलता था 12 मेगापिक्सल कैमरा, लेकिन उसका जो पिक्चर क्वालिटी था लोगों के दिमाग में आज भी छाया हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि नोकिया N8 मोबाइल पे आप लोगों को 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता था, उसका जो पिक्चर क्वालिटी इतना अच्छा होता था। लेकिन ये जो न्यू मोबाइल नोकिया का आ रहा है नोकिया S2070, इस मोबाइल पे तो आप लोगों को 23 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। तो उससे ज़्यादा इस पर कितना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा आप खुद सोचिए। तो इसका जो पिक्चर क्वालिटी होगा वो काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी होगा और साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा इस मोबाइल पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो है ABC स्कैनर। ABC स्कैनर मतलब है कि आप अपनी आंखों की रेटिना से भी इस मोबाइल को लॉक अनलॉक कर सकते हो, मतलब है कि आपको ABC स्कैनर भी आप लोगों के साथ साथ मिलेगा जो काफ़ी अच्छी बात है। और मिलेगा आपको फ्लैश लाइट और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। मतलब है कि आप खुद सोचिए N8 मोबाइल पे आप लोगों को बैक कैमरा मिलता था 12 मेगापिक्सल का और ये जो मोबाइल है न्यू नोकिया S2017 इस मोबाइल पे आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल और बैक कैमरा है 23। जो लोग सेल्फी फ़ोटो उठाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों के लिए तो ये मोबाइल ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस मोबाइल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इस मोबाइल पे आप लोगों को मिलेगा 2 SIM के स्लॉट यानी कि आप 2 SIM यूज़ कर सकते हैं, दोनों के दोनों ही GSM है। इसका जो स्क्रीन साइज़ दिया गया है वो है 5.2 इंचेस और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080 पिक्सल और ये जो डिस्प्ले है ये है Wi-Fi 2K डिस्प्ले और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है जो काफ़ी अच्छी है 100 to 80 GB जो काफ़ी ज़्यादा है, आपको एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका जो रैम दिया गया है वो है 4 GB और इस मोबाइल पे आप लोगों को 3G 4G सब कुछ सपोर्ट मिलेगा वोल्ट के साथ और इस मोबाइल पे आप लोगों को वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा। इसका जो ब्लूटूथ है वो है 5.0, मतलब है कि आप जो एक्सटेंडर में फाइल सेंड करके जितना आपको स्पीड मिलता है उससे भी ज़्यादा स्पीड आप लोगों को ये इसके ब्लूटूथ पे ही मिलेगा। और आप लोगों को इसमें मिलेगा 3.5mm हेडफोन जैक जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आप लोगों को कैमरा मिलेगा, पीछे का जो कैमरा है वो है 23 मेगापिक्सल का फ्लैश के साथ और आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है वो है एंड्रॉयड वर्जन 7.0 जो मार्केट में नया जो काफ़ी अच्छा है। इसका जो CPU है वो है 2.2 GHz और ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ। और सबसे जो ज़्यादा लोग देखते हैं मोबाइल में क्या अच्छा है वो है बैटरी, इसका जो बैटरी बैकअप दिया गया है वो है 3600 mAh और सबसे जो खास बात इस मोबाइल पे FM भी है भाई। तो सब कुछ मिला के ये जो फ़ोन है ये आपके लिए परफेक्ट एक स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस मोबाइल की प्राइस के बारे में। तो देखिए इसके जो प्राइस है ये अभी तक इंडिया पे सेट नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तीनों दाम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस तीनों में से कोई एक दाम इंडिया पे लागू होगा।